फ़र्स्ट क्वेश्चन है टू सेवेंटी डिग्री एंगल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ तो एक्यूट एंगल क्या होता है एक्यूट एंगल होता है कोई भी एंगल लेस देन नाइन्टी डिग्री उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ऑप्टीज़ एंगल एंगल ग्रेटर देन नाइन्टी डिग्री बोलते हैं ऑप्टूज़ एंगल राइट एंगल तो सबको पता होगा इक्वल टू नाइन्टी डिग्री 90 डिग्री के एंगल को बोलते हैं राइट right एंगल और रिफ्लेक्स एंगल होता है एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल क्या हमारा 270 डिग्री तो ये क्या होगा रिफ्लेक्स एंगल नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ़ रेडियस ट्वेंटी एट सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो थ्री फिफ्टी टू मीटर्स अब इन इसमें यूनिट्स अलग अलग दिए सेंटीमीटर्स में एक और एक है मीटर्स में तो पहले तो यूनिट सेम कर लो तो थ्री फिफ्टी टू मीटर कितना होगा थ्री फाइव टू ज़ीरो ज़ीरो सेंटीमीटर्स क्योंकि एक मीटर में कितना होता है हंड्रेड सेंटीमीटर सेकेंड चीज़ के दिए हमें व्हील की रेडियस 28 सेंटीमीटर अब जब ये व्हील एक चक्कर मारेगा तो कितना डिस्टेंस कवर होगा जितनी इस सर्कल की सरकम होगी और सरकम का क्या फॉर्मूला होता है टू पाई आर तो इस फार्मूला में आप वैल्यूज़ पुट करेंगे और एक रोटेशन का आपके पास वो आ जाएगा कि एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर होगा तो बुट करो टू इंटू ट्वेंटी टू अपॉइंट सेवन इंटू रेडियज कितने ट्वेंटी एट सेवन वन जो सेवन सेवन फोर जो ट्वेंटी एट कितना आया फोर इंटू टू एट और एट इंटू ट्वेंटी टू आएगा वन सेवेंटी सिक्स अब हमारे पास है कि एक रोटेशन में इतना डिस्टेंस कवर होगा 176 सेवनटी सेंटीमीटर्स और हमें ढूंढना है कि 35200 सेंटीमीटर सेंटीमीटर्स कितने चक्कर मार के वो कंप्लीट करेगा तो क्या करेंगे 35200 को 176 से डिवाइड कर दो तो, तो टोटल डिस्टेंस जो कवर करना है वो है 35200 सेंटीमीटर और वन रोटेशन में 176 सेंटीमीटर सो वन सेवेंटी वन और टू जो होता है टू ज़ीरो ज़ीरो क्या आ गया टू हंड्रेड सो टू हंड्रेड रोटेशंस लगेंगी उस व्हील को थ्री फिफ्टी टू मीटर कवर करने में तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द क्वाड्रिलेटरल शोन इन द फिगर डी ई इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए सी बी एफ इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी ए सी इज ट्वेंटी फोर डीज़ is बी BF is एट Find the area of quadrilateral. तो एक क्वारिलेट्रल में दो ट्राइंगल हैं और ये हैं DE ई क्या है पर पेंडिकुलर बी एफ बी पर है तो पहले एक ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे फिर दूसरे का तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी ट्राइंगल ए सी बी का क्या एरिया आएगा हाफ इंटू बेस है ट्वेंटी फोर इंटू हाइट है एट सो टू फोर ज़ा एट ट्वेंटी फोर फोर ज़ा नाइंटी सिक्स नाइन्टी सिक्स मीटर स्क्वायर आ गया एरिया वैसे ही ट्रायंगल, ए डी सी का क्या आएगा ए डी सी का भी आएगा हाफ इंटू बेस इज़ ट्वेंटी फ़ोर इंटू हाइट थर्टीन सो टू ट्वेल्व ज़ा ट्वेल्व ट्वेल्व जब वन फोर्टी फोर होता है और प्लस थर्टीन फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन और फोर फाइव वन 157 सेवन वन फिफ्टी सेवन ये आपको समझ नहीं आएगा आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लें ट्वेल्व इन टू थर्टीन क्या वन फिफ्टी सेवन और इन दोनों को ऐड करके आंसर आएगा हमारा वन फिफ्टी सेवन प्लस नाइन्टी सिक्स सॉरी so, यहाँ पे आएगा वन फिफ्टी सिक्स ये आएगा ट्वेल्व इंटू थर्टीन वन फिफ्टी सिक्स तो वन फिफ्टी सिक्स प्लस नाइन्टी सिक्स कितना आएगा आपका आंसर टू फिफ्टी टू सो ऑप्शन नंबर बी इस करें नेक्स्ट क्वेश्चन है एज रिलेटेड क्वेश्चंस में से मैंने आपको ये करवाए भी हुए हैं एच पी टेट मैथ प्रेपरेशन वाली वीडियो में क्वेश्चन है द रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज फोर रेशो फाइव आफ्टर एट ईयर्स फ्रॉम नाउ द रेशो ऑफ देयर एजिज इज़ फ़ फाइव रेशो सिक्स वट इज़ द डिफ्रेंस इन दियर एजिज इन ईयर्स तो पहली चीज़ हमें क्या दी है इसमें रेशो दिए उनकी एजिज की अनु की एज अपॉन राज की एज हैं फोर रेशो फाइव और फिर रेशो दिए आफ्टर एट ईयर्स तो हम क्या करेंगे अनु की एज जो है वो हम फोर एक्स मान लेंगे और राज की एज हम फाइव एक्स मान लेंगे आफ्टर एट ईयर्स आफ्टर एट ईयर्स क्या होगा अनु की एज क्या हो जाएगी फोर एक्स प्लस एट और वैसे ही राज की एज भी क्या हो जाएगी आठ साल के बाद फाइव एक्स प्लस एट तो इसकी रेशो हमें दिए फाइव रेशो सिक्स और ये हमें क्वेश्चन में किसके इक्वल एंड दिए फाइव रेशो सिक्स सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फोर एक्स प्लस एट अपॉन फाइव एक्स प्लस एट क्या होगा फाइव अपॉन सिक्स अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फोर एक्स प्लस एट प्लस एट इंटू सिक्स is equal to five into five X plus eight A equal over six are twenty four X plus eight six the forty eight is equal to five five the twenty five X plus eight five is forty. अब ट्वेंटी फोर एक्स को दूसरी साइड ले जाओ और फोर्टी को इस साइड ले आओ तो फोर्टी एट माइनस फोर्टी इजिकल टू ट्वेंटी फाइव एक्स माइनस ट्वेंटी फोर एक्स क्या आ गया एक्स इजिकल टू एट यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिल गई अब हम इसे पुट करेंगे अनु की एज कितनी थी प्रेजेंट में एट प्रेजेंट ये तो एट एयज़ के बाद में एज है ना एट प्रेजेंट कितनी एज हमने सपोज़ की थी अनु की फ़ोर एक्स और राज की फ़ाइव एक्स अब हमें एक्स की वैल्यू मिल चुकी है एट तो अनु की एज कितनी होगी अनु की एज होगी फ़ोर इंटू एट एट फोर ज़र थर्टी टू और राज की एज होगी फ़ाइव इंटू एट क्योंकि फाइव एक्स है ना एट फाइव ज़ोर फोर्टी तो ये दोनों की एज आएगी पूछा गया क्वेश्चन में व्हाट इज़ द डिफरेंस इन देयर एज इन ईयर्स तो इनकी एज का डिफरेंस क्या हुआ फोर्टी माइनस थर्टी टू एट तो आंसर क्या है ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ एक्स इज एन इवन नंबर देन व्हाट इज़ द नेक्स्ट ऑड नंबर अगर एक्स को आप इवन नंबर सपोज कर लो कोई भी इवन नंबर जैसे फोर ले लो तो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा फाइव ही होगा तो वो क्या होगा? एक्स प्लस वन सो आंसर है ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइट एंड द स्लांट हाइट ऑफ अ कोन आर 21 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली देन द वॉल्यूम ऑफ कोन इज तो हमें एक कोन दिए उसकी स्लांट हाइट और हाइट हमें दिए और पूछेंगे कि वॉल्यूम उस कौन की कितनी है तो वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है कौन की कौन की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वन बाई थ्री पाई आर स्क्वाच हमें एक कौन दिए तो कौन ड्रॉ कर लो पहले कौन की रेडियस हमें पता नहीं है हाइट और स्लांट हाइट में क्या फर्क होता है ये जो परपेंडिकुलर हाइट होती है इसे बोलते हैं हाइट जो कि दिए ट्वेंटी वन और जो ये वाली हाइट है इसको बोलते हैं स्लॉन्ट हाइट ये हमें दिए ट्वेंटी एट सेंटीमीटर्स तो देखो वॉल्यूम ऑफ कौन फाइंड करने के लिए हमें इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करने पड़ेंगे पाई की वैल्यू हमें पता है ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन आर हमारे पास है नहीं और एच भी हमारे पास है ट्वेंटी वन सेंटीमीटर तो आर निकालेंगे सबसे पहले तो आर कैसे निकालेंगे आर निकालने के लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मींस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ए बी का स्क्वायर। यहाँ हमें ए सी और ए बी की वैल्यूज पता है तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ए सी स्क्वायर हुआ ट्वेंटी एट का इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर बी सी हमें पता नहीं है इसलिए आर स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ट्वेंटी वन का स्क्वायर ट्वेंटी एट का आप स्क्वायर करेंगे तो आएगा सेवन और फोर और टू आर स्क्वायर प्लस ट्वेंटी वन का स्क्वायर होता है फोर फोर्टी वन यहाँ से आर स्क्वायर आ जाएगा सेवन एटी फोर माइनस फोर फोर्टी वन टू थ्री फोर्टी थ्री तो आर कितना आएगा रूट ऑफ थ्री फोर्टी थ्री थ्री फोर्टी थ्री सेवन फोर ट्वेंटी एट कैरी फॉरवर्ड सिक्स सेवन नाइन ज़ा सिक्सटी थ्री सेवन सेवन जब फोर्टी नाइन और सेवन वन इक्वल टू सेवन रूट सेवन ये आ गया आर थ्री फोर्टी थ्री रूट को हमने सेवन रूट सेवन कैसे लिख दिया तो ये मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया एच पी टेट मैथ प्रपरेशन के बेसिक्स में आर की वैल्यू हमें मिल गई है सेवन रूट सेवन हार की वैल्यू आ गई है सेवन रूट सेवन आप सिंपली फॉर्मूला में वैल्यूज पोट करो वन बाय थ्री बाई की वैल्यू होती है ट्वेंटी टू अपॉन सेवन इंटू आर स्क्वेर सेवन रूट सेवन इंटू सेवन रूट सेवन क्योंकि आर स्क्वेर है इंटू एच मैंने आपको बताया ट्वेंटी वन और सेवन थ्री जो ट्वेंटी वन थ्री से थ्री कैंसल आउट सेवन सेवन जब फोर्टी नाइन और ये रूट सेवन इंटू रूट सेवन भी सेवन हो जाएगा फोर्टी नाइन इंटू सेवन थ्री फोर्टी थ्री इंटू ट्वेंटी टू भी है इंटू ट्वेंटी टू ये इक्वल टू आएगा सेवन फाइव फोर सिक्स तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ड इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ फिफ्टी टू कार्ड्स द प्रोबेबिलिटी डैट द कार्ड ड्रॉन इज़ नॉट एन एस इज़ सो ध्यान से पड़े क्वेश्चन को कार्ड ड्रॉन इज एन एस नहीं बोला है, नॉट एन एस बोला है तो टोटल नंबर ऑफ एस कितने होते हैं फोर टोटल पैक में कार्ड्स कितने होते हैं फिफ्टी टू अगर आपको कार्ड्स का नॉलेज नहीं है तो मैंने उसके ऊपर एक और वीडियो बनाई है आप चेक कर सकते हैं चैनल पूछा पूछे कार्ड ड्रॉन इज नॉट एन एस नॉट एन एस मीन्स क्या हुआ नॉट एस का मतलब हुआ टोटल कार्ड्स फिफ्टी टू माइनस फोर नॉट एन एस होगा फोर्टी एट मीन्स नॉट एन एस में फेवरेबल आउटकम्स हमारी हैं फोर्टी एट कार्ड्स मतलब कि फोर्टी एट कार्ड्स में से कोई भी आ जाए पर एस नहीं आना चाहिए प्रॉबिबिलिटी क्या होती है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो यहाँ पे हमारी फेवरेबल आउटकम्स कितनी हैं फोर्टी एट और टोटल आउटकम्स कितनी हैं फिफ्टी टू फोर वन जो फोर फोर टू ज़ा एट फोर वन ज़ा फोर फोर थ्री ज़ ट्वेल्व तो आंसर क्या आ गया ट्वेल्व बाई थर्टीन सो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रोम्बस इज़ टू फोर्टी सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ द डायगनल इज सिक्सटीन सेंटीमीटर देन द अदर डाइग्नल इज़ एरिया हमें दिए एक डायगनल दिए और दूसरी डायगनल फाइंड आउट करनी है तो रोम्बस का एरिया क्या होता है रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डाइगनल्स तो वैल्यूज़ पुट करो टू फोर्टी इजिकल टू हाफ़ इंटू डी वन हमें दिए सिक्सटीन और दूसरी डाइगनल हमें नहीं दी वही हमें फ़ाइंड आउट करनी है तो बस यहाँ से निकल जाएगी डी टू इजिकल टू टू फोर्टी इंटू टू अपॉन में सिक्सटीन कैंसिल आउट करो टू वन जो टू टू एट जो सिक्सटीन एट वन जो एट एट सीजर ट्वेंटी फोर थर्टी डी टू क्या आ गई थर्टी सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ फिफ्टीन वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन फोर्टी एट आवर्स हाउ मैनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर टू डू द सेम वर्क इन थर्टी आवर्स तो ये क्वेश्चन है वर्क एंड टाइम से ये चैप्टर भी मैंने आपको तो करवाया है एच पी टेट मैथ्स प्रेपरेशन की वीडियो में तो उसमें एक फार्मूला था नंबर ऑफ मैन इंटू नंबर ऑफ आर्स इन डेज इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मैन इंटू आर्स इन डेज और इस फॉर्मूला में से जो चीज़ हमें क्वेश्चन में ना दी हो वो हम एक्सक्लूड कर सकते हैं जैसे इसमें दिए फिफ्टीन वर्कर्स तो नंबर ऑफ़ मैन कितने पहले फिफ्टीन कितने आज काम किए उन्होंने फोर्टी एट आर्स तो डेज़ नहीं दिए एक ही दिन में किए तो डे को हम निकलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इंटू वन इंटू वन एक ही बात है सो नंबर ऑफ मैन है फिफ्टीन आर्स फोर्टी एट इज इक्वल टू सेम वर्क इन थर्टी आवर्स सो नंबर ऑफ़ मैन निकालेंगे हम और आर्स कितने दिए हैं थर्टी तो नंबर ऑफ़ मैन कितने चाहिए होंगे फिफ्टीन इंटू फोर्टी एट अपॉन में थर्टी फिफ्टीन वन जो फिफ्टीन फिफ्टीन टू जो थर्टी और टू वन जो टू टू जो फोर टू फोर जो एट सो एन टू हमारे पास आ गया ट्वेंटी फोर सो आंसर है ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट है इफ एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ फोर एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस के देन द वैल्यू ऑफ के इज़ तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और बोला कि जो ये एक्स माइनस टू है ये इसका फैक्टर है तो फैक्टर है तो क्या मतलब है मतलब इसको ये जो एक्स माइनस टू है कम्प्लीटली डिवाइड करता होगा यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई टू तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स की वैल्यू टू है अगर हम उसे इसमें पुट करेंगे तो इक्वल टू ज़ीरो आनी चाहिए क्योंकि एक्स माइनस टू जो है इसका फैक्टर है जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टर्स बना के स्प्लिट करते हैं तो क्या होता है ऐसे कुछ आता है ना एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू तो क्या बोलते हैं यहाँ से कि एक्स की वैल्यू आ गई आपकी वन और एक्स की वैल्यू आ गई टू तो वैसे ये एक्स माइनस टू जो है इसका फैक्टर है तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आपकी आएगी टू अब इसको हम इसमें पुट करेंगे तो ज़ीरो आना चाहिए तो जैसे फोर इन एक्स क्यूब है तो टू टू ज़ा फोर फोर टू ज़ा एट एट प्लस थ्री एक्स स्क्वायर टू टू ज़ा फोर माइनस फोर टू ज़ा एट प्लस के ये होगा इक्वल टू ज़ीरो ये फर्दर इक्वल है फोर एट ज़ा थर्टी टू प्लस फोर थ्री ज़ ट्व माइनस एट प्लस के इक्वल टू ज़ीरो अब के को एक साइड रहने दो और बाकी सबको दूसरी साइड ले जाओ तो so, माइनस का थर्टी टू और माइनस का ट्वेल्व कितना हो जाएगा माइनस का थर्टी फोर्टी फोर्टी फोर ये माइनस एट दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा प्लस का एट तो के कितना आ गया फोर्टी फोर में से एट माइनस हो जाएगा क्योंकि वो नेगेटिव का और वो पॉजिटिव का है तो आएगा थर्टी सिक्स माइनस का थर्टी सिक्स सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हाउ मैनी फेसिस हेमिस्फेयर हैव सो हेमिसफेयर क्या होता है जो स्फेयर का आधा होता है उसको बोलते हैं हेमिस्फेयर तो इसका ये जो है ये ही फेस होता है एक और ये तो इसका कर्व्ड एरिया होता है सो so, कितने फेसेस हुए एक ही फेस होता है सो ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन ऑफ द फर्स्ट टेन होल नंबर्स अभी इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि होल नंबर्स क्या होते हैं होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स ये सब का आपको नॉलेज होना चाहिए तो नेचुरल नंबर्स तो वन से स्टार्ट होते हैं होल नंबर्स क्या होते हैं जीरो भी इंक्लूडेड होता है जीरो वन टू से लेके तो फर्स्ट टेन कितने हुए नाइन तक होंगे क्योंकि वन टू नाइन तो नाइन ही होगी और एक टेन ज़ीरो तो एक वे तो ये है कि आप सबको ऐड कर दो ज़ीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री ऐसे करके नाइन तक आप सोन सो ऐड कर लो और अपॉन टेन कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा और शॉर्ट वे ये है अगर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आता है ए पी तो उसमें सम का फॉर्मूला होता है एक इक्वल टू ए प्लस एल बाय टू फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिए हो तो ये सम का फॉर्मूला होता है इसको डायरेक्टली अप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म है ज़ीरो लास्ट टर्म है नाइन बाय टू कितना आया फोर पॉइंट फाइव आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं बट आई थिंक ये फास्ट मेथड है और आपको आना भी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन है आर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सो ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल प्राइस ऑफ अ टॉय कार इज रुपीज़ फाइव फोर्टी इफ द प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर इज़ ट्वेंटी परसेंट वट वॉज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय कार तो ये क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का ये चैप्टर भी मैंने आपको एच पी टेट मैथ्स प्रेपरेशन वाली वीडियो में करवाया है उसमें से एक डायरेक्ट फार्मूला था कॉस्ट प्राइस का हंड्रेड इन सेलिंग प्राइस अपॉन हंड्रेड प्लस प्रॉफिट परसेंट तो डायरेक्टली वैल्यूज पुट करेंगे हंड्रेड इंटू सेलिंग प्राइस क्या था फाइव फोर्टी अपॉन में हंड्रेड प्लस प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट परसेंट है ट्वेंटी परसेंट सो हंड्रेड प्लस ट्वेंटी हंड्रेड ट्वेंटी ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल आउट टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व टू टू ज़ोर टू सेवन जो फोरटीन थ्री टू जो सिक्स थ्री नाइन जो ट्वेंटी सेवन टू वन जो और टू फिफ्टी फिफ्टी इंटू नाइन नाइन फाइव ज़ो फोर्टी फाइव फोर फिफ्टी रुपीज़ सो कॉस्पेस के आ गया फोर फिफ्टी रुपीज़ एक और वे है क्वेश्चन करने का देखो ट्वाई उसने बेचा फाइव फोर्टी रूपीज़ में और प्रॉफ़िट बनाया ट्वेंटी परसेंट का तो इसका मतलब है उसने जो टॉय बेचा वो बेचा वन ट्वेंटी परसेंट पे क्योंकि बीस परसेंट को उसने प्रॉफिट बनाया और जो एक्चुअल प्राइस था वो तो हंड्रेड परसेंट मतलब मान के चलेंगे उसको तो मतलब है जो फाइव फोर्टी रुपीज़ है वो कॉस्ट प्राइस का वन ट्वेंटी परसेंट है तो इसको ही हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखेंगे अब फाइव फोर्टी रुपीज़ जो है वो किसके इक्वल है वन ट्वेंटी परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस इसको लिख सकते हैं फ़ाइव फोटी इज इक्वल टू वन ट्वेंटी परसेंट जहाँ पर होता है उसके नीचे हम लिख देते हैं हंड्रेड और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस क्या आएगा ज़ीरो ज़ीरो कैंसिल आउट कर लो कॉस्ट प्राइस है आपका फ़ाइव फोर्टी इन टू टेन अपॉन में ट्वेल्व तो वही आ गया कैंसिल करो इसको टू सिक्स ज़रा ट्वेल्व टू टू ज़ा फोर टू सेवन जो फोरटीन थ्री टू ज़ा थ्री टू ज़ा सिक्स थ्री नाइन ज़ा ट्वेंटी सेवन और टू फाइव ज़रा टेन आ गया वही नाइन फाइव ज फोर्टी फाइव फॉर फिफ्टी रुपीज़ सो ये दो मेथड हैं आप किसी भी मेथड से कर सकते हो सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन इन डाटा इज तो ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है मैक्सिमम और मिनिमम ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस जो होता है उसे बोलते हैं रेंज नेक्स्ट क्वेश्चन इफ़ थ्री की पावर एक्स प्लस फोर माइनस थ्री की पावर एक्स प्लस टू इक्वल टू एट देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज तो ऐसे क्वेश्चन में हमने क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में अगर आप कुछ भी मेथड अप्लाई करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में तो ईजिएस्ट वे क्या है आप ऑप्शनस में ऐसे वैल्यूज़ पुट करके देखो कि कौन सी सेटिस्फाई कर रही है जैसे पहले है माइनस वन तो थ्री की पावर एक्स की जगह माइनस वन रख के देखो प्लस फोर माइनस थ्री की पावर में माइनस वन प्लस टू आ रहा है इजिकल टू एट की नहीं आ रहा है वो चेक करो तो थ्री की पावर में थ्री होगा माइनस वन प्लस फोर थ्री रह जाएगा थ्री थ्री जो नाइन नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन माइनस थ्री की पावर वन थ्री तो ये तो एट नहीं आया तो ये ऑप्शन नहीं है ऑप्शन बी के लिए भी सेम वे में चेक कर लो तो थ्री की पावर में वन डालेंगे तो पावर फाइव हो जाएगी और माइनस थ्री की पावर में वन डालेंगे तो थ्री हो जाएगा तो ये आपका आएगा कुछ भी आएगा बट एट नहीं आ रहा शायद चेक कर लो करके थ्री थ्री जन नाइन 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 जी एटी वन एटी वन इन टू थ्री माइनस थ्री थ्री नाइन और नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन तो ये आप यहीं देख सकते हैं एटी वन में से ट्वेंटी सेवन माइनस करेंगे तो भी एट नहीं आएगा तो ये तो एटी वन इंटू थ्री है तो ये भी नहीं है तो अब ऑप्शन नंबर थ्री पुट करके देखो सी एक्स की वैल्यू में पुट करेंगे माइनस टू प्लस फोर माइनस थ्री की पावर में एक्स की जगह पुट करेंगे माइनस टू प्लस टू इजिकल टू कितना आ रहा है थ्री की पावर में माइनस टू है तो प्लस फोर थ्री की पावर में टू हो जाएगा थ्री थ्री जी नाइन माइनस में थ्री की पावर में माइनस टू और प्लस टू कट के ज़ीरो हो जाएगा तो इसको ज़ीरो नहीं होता थ्री की पावर जीरो में मतलब किसी भी चीज़ की पावर में ज़ीरो हो तो वो उसको वन लिखते हैं तो ये क्या आ गया एट तो ये है करेक्ट ऑप्शन मीन्स ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाया स्क्वायर एच ये जो होता है सर्कल नीचे इसका एरिया कितना होता है पाया स्क्वायर और हाइट एच पाया स्क्वायर इंटू एच पाई आर स्क्वा एच तो ये तो डायरेक्ट ही फार्मूला आ गया ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज़ अ मेजर ऑफ फोर्टी फाइव डिग्री तो ये क्वेश्चन है क्वाडिलेटरल एंड पॉलीगंस में से तो इसको फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी अपॉन एक्सटीरियर एंगल तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे अब नंबर ऑफ साइड्स हमें फाइंड आउट करनी है और 360 एंगल कितना दिया फाइव नाइन जो फोर्टी फाइव फाइव सेवन जरा थर्टी फाइव और वन फाइव टू जेन सेवन एट नाइन थ्री से जाएगा नाइन से भी जाएगा नाइन वन जो नाइन एट ज सेवेंटी टू सो आंसर क्या आ गया एट साइड्स अगर क्वेश्चन उल्टा आ जाए कि व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन विच हैज़ एट साइड्स तो भी इसी फॉर्मुला में, में पुट करेंगे नंबर ऑफ साइड्स पुट कर देंगे एट तो एक्सटीरियर एंगल निकलेगा फोर्टी फाइव डिग्री सो आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नंबर ए बी सी इज डिविजिबल बाय नाइन देन द सम ऑफ डिजिट इन इट्स इज अ मल्टीपल ऑफ तो ये क्वेश्चन है डायरेक्ट डिविजिबिलिटी का डिविजिबिलिटी नाइन में क्या होता है अगर कोई नंबर है उसका सब जो है जैसे एक नंबर इन्होंने दिए ए बी सी तो इसमें ए प्लस बी प्लस सी अगर नाइन से डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर भी नाइन से डिवाइड हो जाएगा तो मल्टीपल ऑफ नाइन ही होना चाहिए ये पूरे नंबर के जो डिजिट्स हैं उनका सम करके मल्टीपल ऑफ नाइन होना चाहिए तो वो नंबर भी नाइन से डिविज़िबल होगा तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें और भी नंबर्स की डिविजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए जैसे टू की क्या होती है लास्ट डिजिट जो होता है यूनिट्स प्लेस पे वो क्या होना चाहिए इवन वैसे ही थ्री की क्या होती है थ्री का भी यही होता है जैसे कोई नंबर दिया होगा आपको ए बी सी ले लो या ए बी ले लो तो इन सब का जो सम होगा वो थ्री से डिविजिबल होना चाहिए डिविजिबल बाय थ्री मीन्स अगर जो भी नंबर दिए जैसे मान लो थ्री फोर थ्री दिए तो इसमें हम प्लस कर देंगे थ्री प्लस फोर प्लस थ्री कितना हुआ थ्री टू जो सिक्स प्लस फोर टेन और टेन को भी फर्दर देख सकते हैं हम थ्री से डिविजिबल है कि नहीं तो वन प्लस जीरो कर देंगे तो वन आ रहा है या फिर टेन भी आपको पता है डिविजिबल नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि थ्री फोटी थ्री भी डिविजिबल नहीं होगा थ्री से वैसे फ़ोर की डिविजिबिलिटी है कि लास्ट में अगर ज़ीरो ज़ीरो आ रहा है तो वो नंबर जो है वो डिविज़िबल होगा फ़ोर से फाइव की सिंपल लास्ट में फाइव आना चाहिए या फिर ज़ीरो आना चाहिए तो वो डिविजिबल होगा सिक्स के लिए थ्री टू से सिक्स होता है इसलिए थ्री और टू से डिविजिबल है तो सिक्स से भी डिविजिबल हो नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन ऑड नंबर तो एक चीज़ याद रखो कि ऑड नंबर का जो स्क्वेयर होता है वो भी ऑड ही होता है और इवन नंबर का जो स्क्वेयर होता है वो इवन ही होता है हमेशा सो so, उस हिसाब से फर्स्ट का तो स्क्वायर भी इवन ही होगा क्योंकि ये खुद एक इवन नंबर है सेकंड भी इवन नंबर है थर्ड एक ऑर्ड नंबर है और फोर्थ भी इवन नंबर है तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा सो आंसर क्या है हमारा ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स इज तो फर्स्ट एन और नेचुरल नंबर क्या होंगे और नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं वन थ्री फाइव सेवन सोन हमें पता नहीं है कितने का सम हमें चाहिए मतलब एन एन कुछ भी हो सकता है तो आप ध्यान से देखें तो ये है आर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन ये भी मैंने आपको करवाए हुए चैप्टर एच पी टेट मैथ प्रेपरेशन की वीडियो में कैसे पता चला क्योंकि डिफरेंस इनके बीच में सेम है थ्री माइनस वन टू ही आएगा फाइव माइनस थ्री भी टू आएगा वैसे सेवन माइनस फाइव भी टू आएगा और सो ऑन टू ही आएगा इसका डिफरेंस ये है ऑड नंबर की सीरीज तो हमें पूछा है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल ऑड नंबर्स तो एन नंबर्स का क्या सम होगा फार्मूला होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम का ये फार्मूला होता है ऐसा इन इजिकल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो इसमें एन तो एन ही है क्योंकि हमें पता नहीं कि कितने नंबर ऑफ़ टर्म्स है इसमें क्वेश्चन में ही एन दिए और टू ए क्या होता है फर्स्ट टर्म तो ऑड नंबर की सीरीज़ है फर्स्ट टर्म क्या होती है वन प्लस एन माइनस वन एन हमें पता ही नहीं है एन टर्म्स ही हैं एन माइनस वन इंटू डी डी क्या होता है डिफरेंस तो डिफरेंस अभी मैंने आपको बताया वन थ्री फाइव तो डिफरेंस क्या इनका टू थ्री माइनस वन टू फाइव माइनस थ्री भी टू तो डिफरेंस इस सीरीज़ का है टू तो इसको सॉल्व करेंगे अब आगे डायरेक्ट टू से टू मत काट देना क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर है और बीच में प्लस भी है टू सिर्फ एन माइनस वन के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा एन बाई टू ब्रैकेट में टू इंटू वन टू ही होता है प्लस एन माइनस वन इंटू टू टू इंटू एन टू एन और माइनस वन इंटू टू माइनस टू तो ब्रैकेट में ये वाला टू और ये वाला टू कट गया और अब ब्रैकेट के अंदर बचा सिर्फ टू एन सो एन बाय टू इंटू टू एन तो, तो यहाँ से टू और टू भी कैंसिल आउट हो जाएगा आ जाएगा एन स्क्वायर तो कुछ नहीं किया हमने बस फार्मूला लगाया सम का सो ऑप्शन नंबर बी इज़ आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो 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 फाइव इंटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कभी आपने न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व किए होंगे तो उसमें आपके टीचर अगर ऐसा कुछ आंसर आता है इनटू समथिंग इन टू पावर कुछ तो वो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ भी आता है तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे आते हैं तो इसको ऐसे नहीं लिखते हैं न्यूमेरिकल्स में एंड में उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखते हैं तो कैसे कन्वर्ट करते हैं देखो दिए कि हमें ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो 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 फ़ाइव तो ज़ीरो पॉइंट के बाद में कितनी टर्म्स हैं जिसमें एक दो तीन चार पाँच छः छः तो ज़ीरोज ही हैं और एक फ़ाइव सात तो ऊपर लिखेंगे हम फाइव अपॉन में सेवन ज़ीरोज़ लगाएंगे हम फोर फाइव सिक्स सेवन जीरोज़ होगी तो अब ऑप्शंस में से आप देखो क्या ऑप्शंस दिए कॉमन चीज़ क्या है टेन रेज टू पावर सेवन माइनस सेवन माइनस सेवन ऐसे दिए मींस टेन के पावर में सेवन ही लिखा है नेगेटिव में या पॉजिटिव में तो हम क्या करेंगे जो सेवन जीरोज़ हैं उनको ऊपर की साइड लिख देंगे तो कितनी जीरोज़ हैं देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन टोटली सेवन जीरोज़ हैं तो इसको हम लिख सकते हैं फाइव इंटू टेन रेज टू पावर जीरोज तो नीचे थी ना डिनोमिनेटर में थी तो इनको अगर हम ऊपर लिखेंगे तो पावर में जाके क्या हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएंगी टेन एच पावर माइनस सेवन तो ये आ गया अब स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हमारा आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर ए अप बी इज तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है मतलब जिस चीज़ को हम इसमें ऐड करेंगे और ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी तो क्या ऐड करेंगे कि ये ज़ीरो हो जाएगा तो हम एपॉन बी में अगर माइनस ए अपॉन बी ऐड करें तो ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि एल सी एम इसका बी आएगा और ए माइनस ए ज़ीरो सो तो ज़ीरो अपॉन समथिंग ज़ीरो तो इसका माइनस ए अपॉन बी क्या हुआ एडिटिव इनवर्स सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है देखो एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि किस चीज़ को अगर हम उसमें ऐड करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाए उसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है किस चीज़ को हम उससे मल्टीप्लाई करें कि वो चीज़ वन हो जाए इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा होता तो क्या होता वो एयरफोन बी इन बी अपॉन ए करेंगे तो वन हो जाएगा ना तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता बी अपॉन ए बट इन्होंने पूछा क्या है एडिटिव इन्वर्स इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है नेक्स्ट हमें पूछा इफ़ एच सी एफ ऑफ थ्री जीरो सिक्स सिक्स फिफ्टी सेवन इज़ नाइन देन एल सी एम ऑफ थ्री जीरो सिक्स सिक्स फिफ्टी सेवन क्या होगा तो एक रिलेशन होता है हमारे पास एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मीन्स थ्री जीरो सिक्स इंटू सिक्स फिफ्टी सेवन विल बी इक्वल टू एल सी एम इंटू एच सी एफ जो कि है नाइन तो यहाँ से आपका एलसीएम ईज़िली आ जाएगा और वो एल आएगा टू टू थ्री थ्री एट ऑप्शन नंबर सी आप ये कैलकुलेशन खुद करके देख लें तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ ग्रैंड फादर इज़ टेन टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड वाटर ही इज़ ऑल्सो फिफ्टी फोर ईयर्स ओल्डर देन हर फाइंड द एज ऑफ ग्रैंड वाटर क्वेश्चन में बोला है कि ग्रैंड फादर जो है वो अपनी ग्रैंड वाटर से दस गुना ओल्डर है दस गुना बड़ा है और फिफ्टी फोर ईयर्स ज़्यादा है उसकी उम्र अपनी ग्रैंड डॉटर से तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं जिस बंदे की रेफरेंस से हमें दूसरे इंसान की एज दी हो उसको हम सपोज़ कर लेते हैं जैसे इसमें हमें दिए कि ग्रैंड डॉटर के रेफरेंस में दिए ग्रैंड फादर की एज तो हम सपोज़ करेंगे ग्रैंड डॉटर की एज एक्स तो हमने सपोज़ कर ली ग्रैंड वाटर की एज एक्स तो क्या दिए ग्रैंड फादर की जो एज है वो है टेन टाइम्स ऑफ ग्रैंड वाटर मीन्स टेन एक्स और बोले ही इज़ ऑल्सो फिफ्टी फोर ईयर्स ओल्डर कि उसकी उम्र जो है वो फिफ्टी फोर ईयर्स ज़्यादा है अपनी ग्रैंड वाटर से तो कितना होगा एक्स प्लस फिफ्टी फोर एक्स में हम ऐड करेंगे ना फिफ्टी फोर तो उतनी होगी उसकी ग्रैंड फादर की एज तो ये दो इक्वेशन बन गई और दोनों सेम ही चीज़ बता रही हैं तो हम इन्हें इक्वेट कर सकते हैं तो टेन एक्स इजिकल टू फिफ्टी फ़ोर प्लस एक्स और एक्स को साइड ले जाओ तो आएगा नाइन एक्स इजिकल टू फिफ्टी फ़ोर और एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी फिफ्टी फ़ोर बाय नाइन नाइन सिक्स फिफ्टी फ़ोर एक्स यहाँ से आ गया सिक्स सो so, ग्रैंड की कितनी एज है छः साल सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लोडी ट्रक ट्रैवल्स फोर्टीन किलोमीटर इन ट्वेंटी फाइव मिनट्स इफ़ द स्पीड रिमेन्स द सेम हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन फाइव आर्स तो ट्रक जो है वो फोर्टीन किलोमीटर पच्चीस मिनट में चल रहा है तो so, हमें ये 25 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि स्पीड जो होती है वो किलोमीटर पर आर में होती है या फिर मीटर पर सेकंड में होती है तो ट्वेंटी फाइव को आर्स में कन्वर्ट करने के लिए सिक्सटी से डिवाइड करेंगे फाइव फाइव जो ट्वेंटी फ़ाइव ट्वेल्व फाइव जो सिक्सटी तो कितना हुआ फाइव बाई ट्वेल्व आर्स अब इसकी स्पीड क्या हुई फोर्टीन किलोमीटर पर आर नहीं हुई पर फाइव बाई ट्वेल्व आर्स हुई तो अगर इसको फाइव बाई ट्वेल्व को हमें वन करना है तो कैसे करेंगे फाइव बाई ट्वेल्व को ट्वेल्व बाई फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 14 को भी ट्वेल्व बाई फाइव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फ़ोर्टीन को भी ट्वेल्व बाई फाइव से करना पड़ेगा अब ये कट के तो वन हो जाएगा पर आर हो गया मतलब और ट्वेल्व बाई फाइव से ऐसे भी किया मल्टीप्लाई तो कितना हुआ इसको ऐसे ही रख के चल पड़ो फ़ोर्टीन इंटू ट्वेल्व बाय फिफ्टीन अगर मल्टीप्लाई नहीं करना तो है तो ट्वेल्व बाय फाइव तो ये होगी हमारी स्पीड फ़ोर्टीन इंटू ट्वेल्व बाई फाइव किलोमीटर पर आर ये समझ आ गया होगा आपको कैसे आई ये अब हमें स्पीड मिल गई है किलोमीटर पर आर में अब हमें फाइंड करने की फ़ाइव आर्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो लोडेड ट्रक तो वन आर में इतना कर रहा है तो फाइव आवर्स में कितना करेगा फोर्टीन इंटू ट्वेल्व फाइव इंटू फाइव डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इन टाइम ये स्पीड है और इन टाइम फाइव आज कर दिया हमने अब फाइव और फाइव कैंसिल आउट फोर्टीन इंटू ट्वेल्व जितना आएगा कितना आएगा वन सिक्सटी एट किलोमीटर आ गया डिस्टेंस सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट नेक्स्ट इज द ऑल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन एकवल साइड ऑफ एन इक्वेटल ट्रैंगल आर इंद रेशो तो इक्वेटर ट्रैंगल क्या होता है इक्लेटल ट्रैंगल होता है जिसकी सारी साइड्स इक्ल होती हैं मान लो इसकी सिक्स सेंटीमीटर है तो ये भी सिक्स होगी और ये भी सिक्स होगी ऑल्टीट्यूड ड्रोन ऑन इक्वल साइड्स अब ऑल्टीट्यूड क्या होती है अगर मैं यहाँ से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करूँ दूसरी साइड पे ऐसे ये ट्रैंगल इक्वेटर ए बी सी तो मैं ए बी साइड पे यहाँ से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करूँ या बी सी साइड्स पे ए से ड्रा करूँ या फिर ए सी पे बी से ड्रा करूँ तो ये जो तीनों ऑल्टीट्यूड्स होंगी ये किस रेशो में होंगी तो देखो ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी इक्वल साइड्स हैं सारी तो इसकी ऑल्टीट्यूड्स भी इक्वल ही होंगी तो जब ऑल्टीट्यूड्स इक्वल आएंगी तो ऑल्टीट्यूड मान लो आपकी फ़ाइव आ गई तो दूसरी भी फाइव आएगी तीसरी भी फाइव आएगी ए सपोज कर लो तो दूसरी भी ए आएगी तीसरी भी ए आएगी तो फाइव बाई फाइव क्या होगा वन फर्स्ट अपॉन सेकेंड सेकेंड ऑल्टीट्यूड अपॉन थर्ड भी वन ही होगा और थर्ड अपॉन फर्स्ट भी वन ही होगा तो रेशो क्या आएगी वन रेशो वन रेशो वन ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज़ सेवन सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया इज़ नाइन सिक्सटी एट सेंटीमीटर विल बी हमें हाइट फाइंड आउट करनी है टोटल सरफेस एरिया भी दिए और रेडियस भी दिए तो पहले तो सिलेंडर ड्रॉ करेंगे रेडियस से है सेवन सेंटीमीटर और सरफेस एरिया क्या है नाइन सिक्सटी एट सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का सिलेंडर का सरफेस एरिया ये बाहर वाला एरिया टू पाई आर इंटू एच टू पाए आर एच और दो सर्कल होते हैं ऊपर नीचे तो वो हो गए टू पाई आर स्क्वायर तो आप फार्मूला भी याद रख सकते हैं फॉर्मूला होता है टू पाए यहीं से डिराइव होता है वो टू पाए आर इंटू आर प्लस एच तो देखिए ये है फॉर्मूला और ये हमें दी हुई है वैल्यू नाइन सिक्सटी एट सेंटीमीटर स्क्वायर और पाई की वैल्यू हमें पता है ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन आर भी हमें दिया हुआ है रेडियस सेवन बचा क्या एच यहाँ से एच इजली आ जाएगा यहाँ से एच कैसे निकलेगा आर प्लस एच को एक साइड रख देंगे और दूसरी साइड नाइन सिक्सटी एट और नीचे आएगा टू पाई आर और फिर आर को भी दूसरी साइड भेज देंगे तो आएगा माइनस आर इसमें पोट करेंगे वैल्यूस कुछ नहीं किया ये इस इधर से एच की वैल्यू निकाली है बस इसमें वैल्यू पोट करें एच आ जाएगा नाइन सिक्सटी एट में टू इंटू ट्वेंटी टू अपॉन सेवन इंटू रेडियस कितनी है रेडियस कितनी दी है हमें सेवन सेंटीमीटर इंटू सेवन और ऊपर माइनस भी आ रहे तो सेवन आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा सेवन से तो सेवन नीचे कैंसिल आउट हो गया और टू वन ज़ा टू फोर ज़ा एट वन टू एट जा सिक्सटीन और टू फोर ज़ा एट और टू एलेवन जीरो ट्वेंटी टू टू 4, टू फो ज़रा फोर टू फोर जो एट टू टू ज़रा फोर और कुछ और है शायद ही इलेवन से भी चल जाएगा एलेवन वन जो एलेवन टू जो ट्वेंटी टू और टू जो इलेवन टू जो ट्वेंटी टू तो पूरा कैंसिल आउट हो गया बचा क्या ट्वेंटी टू माइनस सेवन और ये कितना होता है फिफ्टीन सो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 15 सेंटीमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 100 एंड द डिफरेंस इज़ 50 देन द रेश ऑफ़ टू नंबर्स इज़ तो पहले तो दो जो नंबर हैं वो पता होने चाहिए मतलब निकालने पड़ेंगे उसके बाद रेशो की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है सम ऑफ़ टू नंबर्स इज़ 100 तो एक नंबर को एक्स मान लो और दूसरे को वाई तो एक्स प्लस वाई के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हंड्रेड एंड देर इज फिफ्टी तो एक्स माइनस वाई भी हुआ है कितने फिफ्टी अब सिंपली इन दो इक्वेशंस को एलिमिनेशन से सॉल्व कर लो तो इनको ऐड कर देंगे आपस में तो आएगा टू एक्स माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएंगे इज़ इक्वल टू वन फिफ्टी तो एक्स कितना आएगा वन फिफ्टी बाई टू जो कि है सेवेंटी फाइव एक्स आ गया सेवेंटी फाइव एक्स सेवनटी फाइव आ गया तो वाई भी हमें निकालना पड़ेगा वाई इसमें पुट करो एक्स की वैल्यू तो यहाँ से वाई क्या आ जाएगा हंड्रेड माइनस एक्स तो हंड्रड माइनस एक्स की वैल्यू है सेवेंटी फाइव तो वाई आ गया ट्वेंटी फाइव एक्स और वाई आ गए हमारे पास अब हम रेशो के बारे में सोचेंगे ये एक्स की वैल्यू है सेवेंटी फ़ाइव और वाई है ट्वेंटी फ़ाइव रेशो ऑफ टू नंबर्स एक्स अपॉन वाई विल बी इक्वल टू सेवेंटी फाइव अपॉन ट्वेंटी फाइव तो ट्वेंटी फाइव वन ज़ा ट्वेंटी फ़ाइव थ्री ज़ा तो रेशो क्या थ्री रेशो वन आप कुछ लोग सोचेंगे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा एक्स की वैल्यू सेवेंटी फ़ाइव की जगह ट्वेंटी फ़ाइव आ जाए तो ऐसा करेंगे ट्वेंटी फाइव अपॉन सेवेंटी फ़ाइव वो तो ट्वेंटी फाइव वन सा और ट्वेंटी फाइव थ्री जहा वन रेशो थ्री आ जाएगा तो ये तो कन्फ्यूजन गई कि ऑप्शन नंबर डी करेंगे कि बी करेंगे बट मोस्टली क्या होता है कि ऐसे ही करना पड़ता है जो बड़ा नंबर है उसको ऊपर लिखते हैं जैसे टू नंबर्स की रेशो तो सेवेंटी फ़ाइव रेशो ट्वेंटी फ़ाइव ही निकालेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडजेसेंट फिगर होप इज पेरेलोग्राम फाइंड द एंगल मेजर जेड तो एक पैरलेलोग्राम दिए एच ओ पी ई पैरलेलोग्राम क्या होता है जिसमें दो साइड्स पैरेलल होती हैं अपोजिट साइड ये और ये पैरेलल होंगी और ये साइड और ये साइड पैरेलल होगी तो पैरेलल होने का क्या मतलब है पैरेलल होने का मतलब है जैसे ये दो साइड पैरेलल हैं तो इनके बीच में जो डायगोनल होगी उसके ये और ये एंगल भी इक्वल होंगे और ये और ये एंगल भी इक्वल होगा ये कंसेप्ट आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा ये और ये एंगल होते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स और ये और ये एंगल भी होते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स ये सेम होंगे वैसे ही ये एंगल और ये एंगल ये भी इक्वल होंगे ये होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो फिर 40 डिग्री प्लस जो मैं फाइंड करने जेड इक्वल होगा 70 डिग्री के तो z क्या आएगा 70 माइनस फोर्टी थर्टी डिग्री कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है नहीं तो z क्या आ गया थर्टी डिग्री लास्ट क्वेश्चन है बाय थ्री गेट वन फ्री वट इज़ द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट बींग ऑफर्ड हेयर तो ये क्वेश्चन है लॉजिक का डिस्काउंट्स वाला चैप्टर भी मैंने आपको करवाया है एच पी टेट मैथ्स प्रेपरेशन वाली वीडियो में बट ये क्वेश्चन में आपका लॉजिक लगेगा देखो बाय थ्री गेट वन फ्री मीन्स आप तीन चीज़ें खरीदोगे एक दो तीन तो आपको उसके साथ एक फ्री मिलेगी तो डिस्काउंट क्या है मतलब ये जो आपने ख़रीदा है इसके ऊपर लगता है डिस्काउंट तो मीन्स आपने थ्री खरीदी और एक फ्री मिली तो डिस्काउंट क्या हुआ आपको इसको आप हंड्रेड परसेंट मानेंगे तो उसका ये कितना पार्ट है वो होगा डिस्काउंट जैसे इसको हंड्रेड परसेंट मान लेंगे तो तीन चीज़ें आपने ख़रीदी हैं तो हंड्रेड बाई थ्री कितना आएगा थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। अभी भी कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा तो मैं दोबारा से समझा देता हूँ देखो अगर इसमें अगर इसमें दिया होता कि बाय थ्री एंड गेट टू फ्री बाय थ्री एंड टू फ्री तो आप पूछेंगे कि कितना परसेंट डिस्काउंट है तो क्या बोलते हैं हम जैसे हमने तीन चीज़ें खरीदी और उस पर दो फ्री मिल गई तो ये जो दो फ्री मिली हैं ये इसका कितना पार्ट है वो होगा डिस्काउंट तो इस बार हम क्या करेंगे अगर ये हंड्रेड परसेंट है तो इसके तीन पार्ट करेंगे और उसमें से जो दो पार्ट हैं वो है डिस्काउंट तो हंड्रेड परसेंट के अगर हम तीन पार्ट करेंगे तो वो क्या आएगा थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री बट दो चीज़ें फ्री मिल रही हैं तो इसके हंड्रेड परसेंट के जो दो पार्ट हैं वो है डिस्काउंट तो दो पार्ट कितने हुए सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स तो इस बार डिस्काउंट होता है सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स परसेंट ऐसे ही अगर बोलें कि बाय फोर एंड गेट टू फ्री तो कितना डिस्काउंट हुआ तो हम क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये चार चीज़ें हैं हंड्रेड को हम चार में डिवाइड कर लेंगे हंड्रेड को चार में करेंगे तो पच्चीस आएगा और हमें दो फ्री मिली हैं तो दो फ्री मिली है मीन्स फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट बाय फोर और गेट टू फ्री पे फिफ्टी परसेंट वैसे इस क्वेश्चन में आपको बताया मैंने थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट आंसर आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो लाइक करें ताकि मैं आपके लिए और ऐसी ला सकूँ